सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि चेन क्लीनिंग कैसे करते हैं और चेन लूपिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत लोग ठीक से ध्यान देते नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो रेंच की, तो ये है वो 8 नंबर रेंच जो आपको ओपन करना है। सो मैंने तो ओपन कर लिया है। और आपको ज़रूरत पड़ेगा चेन क्लीनिंग का, जो कि C1 है मोतुल का, और ये है C2, ये है आपका चेन ल्यूब। सो जैसे आप देख सकते हो, मैंने ओपन कर लिया है और कितना गंदा है इसमें देख सकते हो आप। सो इस पोर्शन को आपको खोलना है, सो दैट यहाँ पे जितना भी आपका जो गंदा है वो चीज़ आपका क्लियर हो जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और कितना रस्ट हो गया है आप देख सकते हो, जंग लग गया है। सो पूरा साफ करना है इसको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये चेन C1 जो है मोतुल का वो लग चुका है, और अभी इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको चेन क्लीनिंग करेंगे, इसके बाद चेन लूप करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं वो ये डर्ट है जो गिरा है, डर्ट्स मैंने निकाला है अभी। तो अब चेन क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कैसे डर्ट गिर रहा है। चेन आपको एक्चुअली साफ रहेगा तो फिर आपका बाइक चलाने में आपको मज़ा आएगा। सो दैट्स वाई चेन क्लीनिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। 1 मंथ में 2 बार आप क्लीन करो, काफ़ी है। चेन से इतना डर्ट निकला है, इतना डर्ट, एंड स्टिल वो गिर ही रहा है। तो अभी आप चेन देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है। अभी इसको कपड़े से पोंछना है। ये आपको थोड़ा क्लीन करना होता है अपने कपड़ों से भी, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। फाइनली आपको ये चेन का ल्यूब लगाना है। सो गाइस, मैंने अपना जो ट्रिप मीटर है मैंने उसको 0-0 कर दिया है, सो दैट मैं नेक्स्ट 500 किलोमीटर में मैं अपना चेन ल्यूब करूँगा। तो ये एक काइंड ऑफ रिमाइंडर ही है मेरे लिए। सो इजी हो जाएगा। सो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ गाइड कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।